पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश का विसर्जन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को कई जगहों में राजा साहब की अस्थियां बहाई गई। रेस्ट हाउस चौक सुंदरनगर के शहीद स्मारक पर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां सतलुज नदी में समाहित करने से पहले शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर के नेतृत्व में श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। उधर पच्छाद ब्लॉक में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां यशवंत नगर में गिरी नदी में प्रवाहित कर दी गई। जिला कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश आर्य और अन्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। वहीं मंडी शहर में भी वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई। यह विसर्जन शहर के एकादश रुद्र मंदिर के साथ सुकेती खड्ड व व्यास नदी के संगम पर स्थित घाट पर किया गया। इसमें सदर मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा और मंडी शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल सेन समेत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी की अस्थियों को व्यासों में विसर्जन किया गया और ये सच्चाई है। इंसान आता है जाता है और सच्चाई से कोई मोड़ नहीं सकता, परंतु जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात रही और उनका हमेशा प्रदेश के अंदर सारी उम्र उनको इस देश की प्रदेश की चिंता रही और इसको आगे ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। आज भी इन अस्थियों के प्रभाव से जिस विधानसभा के अंदर ये अस्थियों प्रभाव किया जा रहा है, मैं समझता हूँ एक आशीर्वाद के रूप में वो इस हर विधानसभा को जो है आज दे रहे हैं। हर विधानसभा के अंदर उनका मार्गदर्शन रहा और मुझे भी राजनीतिक परिवार से तो मैं आया, परंतु असली राजनीति असली काम करने का तरीका 1993 के अंदर जब मैं विधानसभा में पहुंचा और पहली बार मैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और उनके काम करने का तरीका सारी उम्र मुझे याद रहेगा किस तरीके से जो है प्रदेश के अंदर काम किया जाता है। उनके मार्गदर्शन के अंदर जहां प्रदेश आगे बढ़ा, मंडी विधानसभा के क्षेत्र भी हमारा जो है उन्हीं के कार्य के रूप में जाना जाए और हमारा सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जहां हम इस महान नेता को याद कर रहे हैं, जहां मंडी के लोगों को हमेशा एक अपना समझ के वो जो है लोगों के बीच में आते रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी याद, उनके काम, उनका मार्गदर्शन जो इस प्रदेश को मिला है वो हमेशा याद रहे। और मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे नेता के साथ मुझे दो बार मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में रहा और दो बार मुझे जो है काम करने का मौका और उनको समझने का मौका मिला। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है। ये ऐसे नेता थे जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा उनकी मार्गदर्शन की ही दिशा मिलती थी, काम एडमिनिस्ट्रेशन करता था। हमें उनसे सीखना है। आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे दुख की बात है कि आज हमारे बीच में वो नहीं है, पर उनकी दिशा और दिशा जो है और हमें याद रहेगी। मैं कामना करता हूँ कि मंडी को जो भी उन्होंने शुरुआत की है, जब तक राजनीति के अंदर मैं रहूँगा तब तक मैं उनके मार्गदर्शन के अंदर जो काम करने का प्रयास करूँगा और इसको एक जो उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। मंडी के शहर के और मंडी के विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हमेशा उनका प्यार बना रहा, आगे बनता रहेगा और याद जो है हमेशा उनकी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। इसके अलावा ज्वाली में राजा वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश का प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में पांडवों द्वारा निर्मित मिनी हरिद्वार ज्वाली में प्रवाह किया गया। विश्राम गृह ज्वाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कुल्लू जिला के बंजार में भी राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान बंजार कांग्रेस अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे।